मुंह में गजनी गंधा और दिल में है दुनिया, यही ख्वाब लेते हुए मैं आ चुका हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुंह में तो कुछ भी नहीं है लेकिन कदमों में दुनिया है। नहीं, कोई सेंस है इस बात की? देखिए, दुनिया ही एक ही कदम पे, यानी कि वन ब्लॉक चैलेंज। जी हाँ, तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले वन ब्लॉक की। मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके ऊपर बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, तो यही देखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इस गेम को। तो हे गाइस, कैसे आप सभी, मेरा नाम है विमल वर्मा और आप देख रहे हैं वीवी गेम पॉइंट चैनल। तो शुरू करते हैं गेम की बात वीवी वी के साथ। तो बेसिकली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्यों है। मेरे को ये भी डर लग रहा है कि मैं दबाऊं और मैं गिर ना जाऊं। ठीक है, तो हमारे को ये मिला, क्या मिला, ये आर्मर स्टैंड मिला है हमारे को। ओके, तो मैं सही था, ये वन ब्लॉक है लेकिन इसमें ब्लॉक के नीचे ब्लॉक है। अपने को सबसे पहले ये पूरी दुनिया इसी से बनानी होगी ना, तो अभी दिक्कत नहीं होने वाला। अब हम आराम से सब करने वाले हैं, तो मैं पूरी दुनिया यहीं पे बना के सर्वाइव करने वाला हूँ एक ब्लॉक में। तो चलो देखते हैं अभी क्या क्या निकल सकता है अपना। हमारे लिए एक एक ब्लॉक काफ़ी कीमती होने वाला है यहाँ पे। तो जब तक कुछ नया वर्ल्ड ब्लॉक नहीं आता तब तक इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे अभी मिल चुका अपने को एक चेस्ट, तो और यहाँ पे इस चेस्ट को लेने से पहले हम हिमेज स्क्रीन हिल क्यों रहा है भाई, इसको पूरा बना लेते हैं ज़मीन को, क्योंकि जितना ज़मीन बनेगा उतना ही हमारा को राहत मिलेगी, यार हमें भी विश्वास हो पाएगा ना कि हम कहीं से हैं। हाँ, इसमें देखते क्या है। इसमें है दो ब्रेड, पांच ब्रेड एक्चुअली। ओके, दो किताबें हैं। एक्चुअली सर बताओ, मेरे को बुक्स का इतना नहीं पता कि क्या होता है इसमें बुक्स का काम। जिंदगी हो या माइनक्राफ्ट हो, बुक्स का काम मेरे को बहुत कम पता है। तो चलो कोई नहीं, इसको हम रख लेते हैं। ये चेस्ट भी काम आ सकती है ना अपने। ठीक है, तो चेस्ट को भी हम इधर लगा देते हैं। तो मेरा प्लान है कि मैं सामान अपना सारा रख देता हूँ इसी में, क्योंकि पता चलेगा कि मैं गिरा और मेरी किताबें, मेरा सब कुछ गिर गया। जब तक कोई डंका नहीं मिलता फिर से करते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात लग रही है कि यहाँ पे कोई परेशान नहीं करने वाला शायद ना। अच्छा ठीक है, देखो मेरा प्लान है जब जब डर्ट आएगा तब तक हम अपनी जमीन को बढ़ाएंगे, जब मतलब कोई नया ब्लॉक आएगा तो, और जितना हम जमीन को बढ़ाएंगे उतना हम अपने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएंगे। तो अभी हम अपना प्लान है क्राफ्टिंग टेबल बनाने का, वो तो हमारा इसी में हो जाएगा, लेकिन देखते कितना अपने को लकड़ी मिल पाती है। यह हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं क्या, अभी पता भी नहीं ना। ये वैसे इसमें जो रेसिपी का, न्यू रेसिपी का ऑप्शन आया ना, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। गलत जगह लग गया भाई, देखे अभी जमीन इतनी बड़ी हो चुकी है ना हमारी। हाँ, तो भले भजनों की गंगा बजा ले तुम। अबे यार मैं डीएनडी पे क्यों लगाता हमेशा। तो भजनों की गंगा बजाने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है अपना। यहाँ पे क्या था ये, हाँ क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल लगाते इधर। यहाँ पे हम लगाते हैं अपने वुड प्लैंक्स, ये बनाए स्टिक्स, एक बनाते हैं यहाँ पे तलवार बनाए क्या, वैसे शावल को मेरे को जरूरत लग रही है, पर हम तलवार बनाऊँ शावल बनाऊँ, एक शावल बना लेते फिर देखेंगे क्या बनाना है। अगर दोबारा वुड आया तो फिर हम तलवार बनाएंगे। इस पर खेती बाड़ी भी करनी पड़ेगी,
क्योंकि इसमें हेल्थ का ऑप्शन दिखा रहा है मेरे को। पम्पकिन मिल चुका है, पम्पकिन वैसे बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि पम्पकिन से भी हम अपना काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन पम्पकिन को निकालते कैसे थे मेरे को याद नहीं आ रहा, मुझे क्यों लग रहा है कि पम्पकिन शायद डायरेक्ट निकलता है। पम्पकिन का कैसे निकालते हैं मेरे को पम्पकिन के लिए डर लग रहा है। ठीक है सही था, मैं पम्पकिन डायरेक्ट निकल सकती है। ठीक है कभी डर निकालते रहते। एक और नए तरीके का वुड मिल चुका है अपने को, तो अवश्य हमारा प्लान है इस इन्वेंट्री को जितना हो सकता है फुल करके, कुछ नया मिलता है तब तक देखते क्या क्या निकलता है। तो अभी शाम भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि शाम से पहले मुझे अपना सामान रख देना चाहिए कहीं ना कहीं। मैं सबसे पहले डर्ट रख देता हूँ, तो भाई बुक्स तो पहले रख दूँ, डर्ट नहीं रखूँगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पम्पकिन रख देता हूँ सबसे पहले। ओके मैं तो यहाँ पे भी शाकाहारी रहने वाला हूँ, वुड रख लेते हैं अभी। और ये क्या है, क्ले, क्ले से क्या बन सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले जितना भी मेरे पास अभी वुड है, ये डर्ट है, इससे हम ज़मीन बड़ी बनाते हैं। मेरे को अभी कोल नहीं मिला है, यानी कि अभी मैं टॉर्च का काम नहीं कर सकता। तो मेरे को क्यों लग रहा है यहाँ पे वो लोग आ सकते हैं शायद, क्योंकि वो जो प्लेन वाला होता है वो तो मेरे को उड़ के मार ही सकता है ना, उसको क्या कहते हैं मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा, प्लेन वाले को। तुम लोगों को नाम पता है तो तुम लोग बताओ। तो जल्दी से क्या हम प्लेन वाले को मारते हैं गोली, और यहाँ पे बनाते हैं अपना डर्ट का ये ज़मीन। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ पे घर बना लेते हैं, क्योंकि घर जरूरी है। अपना घर आखिर अपना होता है। हमने शावल एक्स बनाया था, इस बार हम बनाएंगे एक तलवार और एक पिकैक्स भी बना लेते हैं और लग जाते हैं काम पे। तो ठीक है अभी हमारे को तरबूज भी मिल चुका है, तो मैं स्टिक से निकालता हूँ तरबूज को। तुमने मेरे को इन बुक्स का यूज़ बताना कि इन बुक्स का क्या यूज़ है, जब तक मैं भी यूट्यूब से देखूँगा कि इन बुक्स का क्या यूज़ है, फिर हम आगे इसका यूज़ देखेंगे। अभी तक वैसे कोई आया नहीं है मेरे को मानने, ये अच्छी बात है या बुरी बात, तो मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कोई नहीं आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो बॉन भी मिला है यानी कि अब खेती हो सकती है, फूल मिले हैं यानी कि मेरे को सफ़ेद उस पर नहीं छोड़ना पड़ेगा, और एक पेड़ मिला है यानी कि अब अपना खुद का ज़मीन पे सारा काम होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डर्ट कितनी इकट्ठा हुई है, कितनी हुई है अपने पे चेस्ट में देखते हैं, चेस्ट में भी इतना ही है, तो 9 डर्ट इकट्ठा हुई है ना। हाँ तो 9 डर्ट को हम इधर से भी नाप लेते हैं, मतलब यहाँ से कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानी कि एक ऑनलाइन कर लेंगे हम तो हमारा 8 हो जाएगा, इधर से हो गया 8। अब हम इधर से भी हम 8 कर लेंगे, हमारा प्लान है कि 8x8 का हम रखते हैं सिस्टम। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे होगे इसलिए मैं बैल बाद में बताऊंगा। लंबाई 8 की है, चौड़ाई 5 की है। ठीक है अभी अपने हमने जो जो था हम सब ले लेते हैं, और फिर इस चेस्ट को हम लार्ज करके सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। देखे चुके इस तरह से मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ अपनी लकड़ियाँ, अपने सारे लकड़ियाँ डालने वाला हूँ, क्योंकि इन लकड़ियों से हम बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में घर।
ये हमारे को जो वुड का ये मिला है, इन लकड़ियों को इसमें इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो घर बनेगा वो इसी से बनने वाला है। अभी ऐसे मज़ा नहीं आएगा अगर मेरे को कोई मारने नहीं आएगा तो। और मैं ये मज़ा तुम लोगों को देना चाहता हूँ। तो हम लोगों को ब्रेड भी मिल चुकी है, मुर्गी भी मिल चुकी है, यानी कि खाली वही नहीं आएगा, इसमें जानवर भी आएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर जानवर भी आ रहे हैं तो ज़ॉम्बीज भी आ सकते हो भाई, क्योंकि ये एक लकी ब्लॉक जैसा हो गया कि इसमें कुछ भी निकल सकता है। एक मुर्गी अपना, ओ भाई तू ज़्यादा दिमाग मत लगा, यहाँ तेरे मेरे सिवा कोई भी नहीं है, चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पे, तेरे मेरे सिवा कोई भी नहीं है, चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पे, तेरे मेरे सिवा कोई भी नहीं है, चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पे, तेरे लिए भी सारा इंतज़ाम करूँगा मैं भाई। खाना मिल गया, मेन खाने की बात थी, खाना भी रखते इधर, तरबूज भी मैं तो कह रहा हूँ इधर ही रखो, इसको भी इधर ही रखते हैं, स्टिक है अपने पे, वुड निकालो अब बनाओ एक और शॉवल। अभी ज़मीन उगनी स्टार्ट हो चुकी है हरी भरी ना, मतलब मेरा प्लान सही है, हमें ऐसे ही सर्वाइव करना है। लेकिन मैं सोचा पानी कहाँ से मिलेगा, अब पानी मिल भी जाए तो फिर यहाँ पे अपने को वो भी तो नहीं है बकेट, मैं क्या हाथ में ले लेके भरूँगा क्या पौधे के लिए? ओहो गो माता भी आ गई भाई, जय हो गो मैया की। मैं मुर्गी को एक बार को मरता हुआ देख सकता हूँ, गो मैया को हम नहीं मरता हुआ देख सकते, पर गो मैया मेरी बात पर समझना है। खत्म, सच में खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। आई थिंक दैट था ना, हाँ ओ भाई मैं डर गया, मैं सोचू भाई किधर थी वो जमीन। चलो ओके, तो अपना बछड़ा भी आ चुका है, वो मैया क्या कर रहे हो, हाँ बोन व्हील के लिए तो शायद इससे टूटना चाहिए। ओके पिग्गी महाराज भी आ चुके हैं, इन लोगों का आगमन का मतलब है कि अपने को जमीन बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है अपने को इधर से भी जमीन खींचनी पड़ेगी, तुम्हें मानना पड़ेगा फर्स्ट टाइम खेलो तो दिमाग में पा पूरा है। लाल गाय आ गई भाई, ये क्या है, इस लाल गाय का क्या यूज है, मुझे अभी भी यार स्टोन नहीं मिला, अगर स्टोन मिल जाए तो फिर मैं यहाँ पे इसकी सीरीज खत्म करूँ, मतलब सीरीज के आज का एपिसोड। ओके तो भीड़ भी मिल चुकी है, तो मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं भले सोऊं ना तो मैं मारूंगा भी नहीं, तो इसलिए सबसे पहले हम जमीन को और आगे बढ़ाते हैं। और ये मेरा जो परिवार है जिसके कुछ सदस्य कम लग रहे मेरे को, नहीं पूरे भाई पूरे, तो अभी हम इसको खत्म करते हैं कुछ, ये इसमें और डट मिल जाए तो फिर मैं खत्म करता हूँ, मतलब ये लाइन पूरी करके खत्म करता हूँ मैं। एक तीन डॉट और चाहिए तो तीन डॉट के लिए खत्म करता हूँ। ओ भाई गलत लगा, देखो मैं मारा नहीं है, गलती से लगा वो, कैसे गलती से चीज की पहचान के लिए ये जो खुदाई हो गई वो अच्छा हुआ। तो ठीक है गाइस, अभी मेरे को लगता है हमारे को इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे बढ़ता रहेगा और पता नहीं अपने को कब कॉबल स्टोन मिलेगा, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे
और कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ये देखो अंडा भी मिल गया, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ पे घर बनाए या इन लोगों के लिए कुछ बनाऊँ मैं। तो मेरे को बताइए लाल मशरूम का क्या काम है, लाल मशरूम कह रहा हूँ सॉरी, लाल गाय का क्या काम है और इसका क्या काम है बुक्स का, तो इसको हम कल देखेंगे, कल आई मीन जब भी देखेंगे कल देखेंगे बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, साथ में दबा दो इस बेल आइकन को ताकि मेरी ऐसी ही गेमिंग वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं कल, कल क्यों बोल रहा हूँ बार बार।